हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज मैं आपके साथ में कुछ विंटर स्किन केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठंडी के दिनों में सबसे ज्यादा पानी पीना चाहिए, जो कि हम नहीं पीते हैं क्योंकि ठंड के दिनों में हमें प्यास नहीं लगती है तो हम पानी पीना भूल जाते हैं। बहुत कम हम पानी पीते हैं। जब हम कुछ खाते तभी हमको पानी की याद आती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में अगर पानी कम हो जाता है तो बॉडी ये हाइड्रेट नहीं रहती है और उसके वजह से हमारी स्किन जो है ये ड्राई होना शुरू हो जाती है। सो हमें अगर बाहर की खूबसूरती से प्यार है तो अंदर की खूबसूरती को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना पड़ेगा और पानी ज़्यादा पीने से हमारी स्किन वैसे भी खिली खिली रहेगी और हाइड्रेट भी रहेगी। हमारी स्किन ड्राई होने लगती है तो जब हम रात में सोते हैं तो कोकोनट ऑयल या फिर ओलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, जिसको हम बादाम का तेल बोलते हैं, इसकी मालिश करके ज़रूर सोना चाहिए। इससे हमारी जो स्किन है ये ड्राई नहीं होती है और मॉइस्चराइज रहती है। अक्सर सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं और इसी मौसम में हम सबसे ज़्यादा सूरज के कांटेक्ट में रहते हैं और अक्सर ये हो जाता है कि हम लोग धूप सेकने के लिए घर के बाहर बहुत टाइम तक के बैठे रहते हैं तो इस टाइम पे हमारी स्किन जो है ये डैमेज हो सकती है। सो आप पहले से इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी धूप में बैठते हैं या धूप में कहीं जाते हैं तो सनस्क्रीन विंटर में भी लगाना नहीं भूलना चाहिए। तो ये टिप भी बहुत आपके लिए। साबुन का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारी स्किन और भी ड्राई होना शुरू हो जाती है। और चेहरा धोने के लिए हमने फेस वॉश का ही यूज़ करना चाहिए। पूरे बॉडी को क्लीन करने के लिए हमने कोई अच्छा सा बॉडी वॉश का यूज़ करना चाहिए जिससे ये मॉइस्चर बना रहे हमारे बॉडी का। और फेस वॉश हमने सिर्फ दो बार में ही, दिन में सिर्फ दो बार ही हमको फेस वॉश का यूज़ करना है। अगर हम फेस वॉश का यूज़ ज़्यादा टाइम करते हैं या दो से ज़्यादा बार करते हैं तो इससे जो हमारे स्किन का पीएच लेवल है ये मेंटेन नहीं रहता है। इसके वजह से हमें एक्ने प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है और स्किन ड्राई हो जाती है, इसके वजह से रिंकल्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आप फेस वॉश का यूज़ कम कीजिए, पर दिन में कम से कम 4 से 5 बार हमने चेहरे से पानी लेना है और ठंडी के दिनों में लुक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी का ही यूज़ करना चाहिए। साथ में हमें हमारे लिप्स का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमारे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। हमें 2 से 3 दिनों के बीच में लिप्स स्क्रब करना चाहिए और रात में सोते वक्त हमें उस पर वैसलीन लगा के ही सोना चाहिए। और अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आपकी जो बेली बटन है उस पर आपको सिर्फ एक ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल डालना है। चाहे तो आप रात में डाल के रखिए या फिर सुबह डाल के, कभी भी आप उस पर बेली बटन पे 1 ड्रॉप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लगा दीजिए। इससे आपके जो ओट है ये कभी नहीं फटेंगे, ट्रस्ट मी। ये मैं खुद करती हूँ और ये बहुत अच्छा तरीका है हमारे ओठों को नरिश करने का। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।